हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि धरती के पास एक चांद है, कई पीढ़ियां यही बात जानती है, लेकिन यह बात कुछ दिनों के लिए झूठ साबित होने जा रही है। दरअसल पृथ्वी के पास एक नहीं, दो चंद्रमा हो गए हैं और यह दूसरा चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और पृथ्वी को दूसरा चांद कैसे मिल गया, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। धरती से इस समय एक दूसरा चांद भी देखा जा रहा है, यानी धरती के पास दो चांद हो गए हैं और अगले दो महीने यानी नवंबर के आखिर तक ये मिनी मून धरती की परिक्रमा करेगा, यानी अगले दो महीने तक धरती के पास दो चांद रहने वाले हैं। ये मिनी मून एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम 2024 PT5 है। यह एस्ट्रॉयड रविवार को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया है। इसके दो महीने तक पृथ्वी के परिक्रमा करने की उम्मीद है। ये 25 नवंबर तक हमारे ग्रह का चक्कर लगाएगा। एस्ट्रॉयड 2024 PT5 करीब 10 मीटर चौड़ा है और वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार अगस्त में स्पेन में खोजा था। 2024 PT5 एस्ट्रॉयड एक समूह का हिस्सा है जिसे अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, जो पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर यात्रा करता है। इस तरह के मिनी मून बहुत दुर्लभ भी नहीं है। 2020 में भी एक मिनी मून देखा गया था। अंतरिक्ष में इस समय एक नहीं दो चंद्रमा दिख रहे हैं, लेकिन इस दूसरे चांद को कोई भी रात में नहीं देख सकता है। मिनी मून यानी इस छोटे चांद को कोई भी नंगी आंखों से नहीं देख पाएगा, यहां तक कि नियमित दूरबीनें भी इसे नहीं खोज पाएंगी। इसके आकार और धुंधली उपस्थिति के कारण केवल बड़े पेशेवर श्रेणी के टेलीस्कोप से ही 2024 PT5 की झलक देखी जा सकती है। ऐसे में आम लोगों के लिए इसे देखना तकरीबन नामुमकिन है। आम लोगों को इसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी से आने वाली तस्वीरों का इंतजार करना होगा। यह मिनी मून उस वैज्ञानिक सिद्धांत को मजबूत करता है जो कहता है कि पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष में बहुत सी वस्तुएं लगातार तैर रही हैं, जिनमें से कुछ को ही देखा जा सकता है। मिनी मून बेहद दुर्लभ होते हैं। ये एस्ट्रॉयड आमतौर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्रह की कक्षा में 10 से 20 सालों में एक बार ही आते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में सामने आया है कि एक्सोस्फीयर भी रह सकते हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर है। औसतन मिनी मून कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक पृथ्वी की कक्षा में रहते हैं। इसके बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अलग हो जाते हैं। वैज्ञानिक इस बात के लिए भी निश्चित नहीं है कि यह क्षुद्र ग्रह केवल अंतरिक्ष चट्टान का एक टुकड़ा है या फिर चंद्रमा का एक टुकड़ा है जो बहुत पहले टूट गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस लघु चंद्रमा के 2055 में फिर से पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी के फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध। स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06652242573। मोबाइल नंबर 9297979709।